मैंने मुस्लिम लड़कियों से बात करी है जो आजकल अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रही हैं अपने भाइयों के बगैर बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन दिस कंट्री। आप हिंदू जो स्टूडेंट जो समझदार है वो इस चीज को और ये जो सीए है जो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो भी है वो समझदार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अब वो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करें। आई एम टेलिंग यू दिस हैज़ मूव्ड बियॉन्ड द NRC, दिस हैज़ मूव्ड बियॉन्ड द CAA। यहाँ पे लोग कश्मीर के नारे भी लगा रहे हैं क्योंकि जो हुआ है जो हो रहा है 6 महीने में इन्होंने पूरी देश को बर्बाद करके रख दिया है और ये प्लानिंग पिछले 5 साल से हो रही है। हिटलर को 5 साल लगे थे जूस 7 मिलियन जूस को मारने के लिए, हिटलर को सिर्फ 5 साल लगे थे और ये 4.5 ईयर्स में वो क्या क्या नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू स्टॉप इट राइट हियर। इम्प्लीकेशंस ऑफ NRC एंड CAA हम स्टूडेंट्स हैं हमें शायद एक ही लिमिट तक पता है, लेकिन जब आप मुस्लिम्स को इस तरीके से एकदम अलग कर रहे हो, एक कैटेगरी बना रहे हो कि भाई इनके अलावा बाकी सब अलाउड है, बाकी सब वेलकम है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द लाइन राइट देयर एंड दैट्स वॉट ऑल दी स्टूडेंट्स हियर आर डूइंग एज वेल। ये है और यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं एक्टिविस्ट भी बहुत हैं, बड़े बूढ़े सब लोग यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि इस पॉइंट पर हम लोगों को BJP से मतलब थक चुके हैं, उनकी इन डिवाइसिव पॉलिसी से हम थक चुके हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम एक सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हैं और वो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। इंटरनेट लॉकडाउन हो गया है, एयरटेल जैसी बड़ी कंपनी बोल रही है सॉरी वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज दीज ऑर्डर्स हैव बीन इशूड। धीरे धीरे जाके यहाँ पे इतना बड़ा वाटर कैनन का वो रखा है, आप किस चीज़ से डराना चाहते हैं, हमें क्या बोलना चाहते हैं कि आपकी इन पॉलिसीज की वजह से हम डर के अपने घरों में बैठे रहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। विरोध प्रदर्शन अगर शांतिपूर्वक हो रहा है तो उन्हें भी आप हिरासत में ले लेंगे? आपके प्रश्न इस प्रश्न में आपका उत्तर है वो नहीं, वो हमसे डरते हैं। मुझे इस चीज़ से सिर्फ ये समझ आ रहा है कि वो हमसे डरते हैं, हमारी पावर से डरते हैं, हमारे वर्ड से डरते हैं। हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक बंदे के पास कोई आर्म नहीं है, आर्म्स हैं तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के पास। हम यहाँ पे सिर्फ स्लोगन्स लगा के आए हैं, हम यहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्ट करने आए हैं क्योंकि जो इस देश में हो रहा है हम उसके अगेंस्ट हैं, वो हम डिवाइसिव पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हैं और यहाँ पे डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो रहा है। लाठीचार्ज जो आपने स्टूडेंट्स में घुस घुस के लाइब्रेरी में लोगों को मारा है, कैसे वो पढ़ रहे थे? कुछ बच्चे तो पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे थे प्रोटेस्ट में। ऐसी बहुत बार ये होता है कि लोगों की आप आसपास देखेंगे हर प्रोटेस्ट में यही होता है कि स्टूडेंट्स के अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका कैसा भी मकसद हो, ये हम चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं कह रही हूँ आपको यहाँ पे पुलिस फोर्स डिप्लॉय करनी है सिचुएशन अंडर कंट्रोल करने के लिए, आप करिए, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, स्लोगन्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जो भी है वो आप रोक नहीं सकते हो, वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। पोलिटिकल डिसेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। आई डू नॉट नीड टू लव माई गवर्नमेंट टू लव माई country, that is the most important thing. I do not love this government but I love this country and which is why I am here. आप अमित शाह को क्या कहना चाहेंगे जो अमित शाह का बयान आता है किसी मुसलमान को देने की जरूरत नहीं है मोदी साहब का? मैं अमित शाह को कहना चाहूंगी कि आपका टाइम आएगा और ये आपकी कॉन्शियंस पे राइड करना चाहिए। दिस गिल्ट शुड राइड ऑन योर कॉन्शियंस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ फॉर व्हाट यू आर डूइंग टू द यंग सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री। इफ यू फील दैट सच डिवाइसिव पॉलिटिक्स इज गोइंग टू यू नो स्केयर अस एंड वी आर गोइंग टू कीप सिटिंग इन आवर होम्स थिंकिंग ओ इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने से हमें कुछ हो जाएगा, आपने खुद ही इन्हीं पॉलिटिक्स की वजह से आज इस पूरी जनता आपकी वजह से यहाँ पे इकट्ठा है, सिर्फ और सिर्फ आपके इन डिवाइसिव पॉलिटिक्स की वजह से। मैं मीडिया की हूँ तो मैं बोलना नहीं चाहूँगी। थैंक यू।